नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आज की अपडेट में खास BSNL के CMD श्री PK परवार जी के द्वारा BSNL के एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ मैसेज और अपडेट है फ्यूचर की, कि किस तरह से BSNL आगे ग्रोथ करने वाला है, जो कि उन्होंने दी थी 1 अक्टूबर BSNL डे के दिन। साथ ही BSNL के BRS ऑप्टीज के फोर्थ इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जरूरी जानकारी, कब तक होगा BSNL के BRS 2019 के तहत BRS लिए हुए कर्मचारियों का भुगतान। इसके अलावा आज के वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ की मोबाइल के सभी और बेहतर और अच्छे प्लान, अक्टूबर मंथ के लेटेस्ट प्लान। इसके बाद में हम वीडियो में चर्चा करेंगे BSNL की 4G से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की और रेगुलर एम्प्लॉयज की सैलरी से रिलेटेड सभी अच्छी महत्वपूर्ण और कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। DoT प्लानिंग टू होल्ड 4G ऑक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर, इम्पैक्ट ऑन टेलीकॉम कंपनी। जियो हैज बार्न सर्विसेज विल सफर इफ इट डजेंट गेट स्पेक्ट्रम अर्जेंटली। एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया सम टाइम टू स्ट्रेंथन फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट सेल। स्टेप टू बी गवर्नमेंट टेकन, कैबिनेट नोट टू बी फ्लोटेड शॉर्टली, कैबिनेट अप्रूवल नोटिस इन्वाइटेड इन एप्लीकेशंस और ऑक्शन डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड। एक्सपर्ट सेज इट टेक अराउंड 45 डेज फ्रॉम इशू ऑफ NIA फॉर सेल टू स्टार्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि 4G ऑक्शन DoT के द्वारा प्लान किया जा रहा है जल्दी ही, यानी 2021 के शुरुआती मंथ में। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है कि रिलायंस जियो तो चाहता है तुरंत के तुरंत ऑक्शन रखा जाए, वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इसके फेवर में नहीं है। श्री PK परवार जी के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को जो लेटेस्ट मैसेज दिया गया है, उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हो कि BSNL के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने जो लेटर में कहा है कि लगभग BSNL के द्वारा 8500 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड रिलीज किए गए हैं वो सक्सेसफुली रिलीज कर लिए गए हैं, साथ ही BRS भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि अक्टूबर मंथ एज ए कस्टमर डिलाइट मंथ, आई वुड लाइक टू अर्न अपॉन यू टू गिव बेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस टू अवर एस्टीम्ड कस्टमर्स। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने BSNL के जो इच्छुक और BSNL के जो एम्पावर्ड कस्टमर हैं उनको एक तरह से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जितने भी BSNL के FTTH के प्लान हैं उनकी स्पीड को और फ्री डाटा डाउनलोड लिमिट को अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, यानी कि जल्द ही कस्टमर को अब अनलिमिटेड अनलिमिटेड डाटा वाले प्लान भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर इससे ऐड भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कस्टमर पार्टनर हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, यानी 90% ऑफ फॉल्ट्स टू बी क्लियर्ड विद इन 24 आवर ऑन ऑल डेज, यानी कि 90% फॉल्ट अब विद इन 24 आवर के अंदर कंप्लीट करने होंगे। वहीं 25% एक्स्ट्रा डाटा ऑन ऑल STVs हैविंग वैलिडिटी ऑफ मोर देन 30 डेज, उसका भी यहाँ पर प्रोविजन किया जा रहा है, यानी जितने भी STVs वाले प्लान हैं उसमें 25% एक्स्ट्रा डाटा दिया जाएगा 1 महीने से ज़्यादा के लिए। इसके अलावा जितने भी ऑल BTS फाइबर फॉल्ट आर टू बी अटेंडेड विद इन 24 आवर, यानी जितने भी BTS फाइबर फॉल्ट हैं, यानी कि आपका 2G 3G या 4G का नेटवर्क है उसमें नहीं नेटवर्क आ रहा है, तो वो विद इन 24 आवर के अंदर उनका फॉल्ट क्लियर करना होगा। वहीं इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पर बताया है लॉन्च ऑफ यूनिफाइड सॉफ्टवेयर बेस्ड डैशबोर्ड पर प्रेवाल प्लस फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ लीज सर्किट, यानी कि जो लीज लाइन सर्विसेज है उसके लिए प्रवाल सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से अब जितने भी लीज लाइन सर्किट के फॉल्ट हैं या फिर उनका मेंटेनेंस का काम है या फिर उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा। साथ ही इंटरेक्शन विद कमर्शियली इंपॉर्टेंट कस्टमर्स थ्रू डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर कॉन्सेप्ट।
इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल नोट भी जारी कर दिया गया है कि लॉन्च ऑफ प्रवाल प्लस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्रेहेंसिव सर्विस एश्योरेंस ऑफ द लीज सर्किट फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स बाय सीएमडी बीएसएनएल एट 11:30 AM यानी मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे 1 अक्टूबर को बीएसएनएल डे के दिन ये प्रवाल प्लस सॉफ्टवेयर जारी किया गया। और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि लीज लाइन सर्किट का ऑपरेशनल और मेंटेनेंस इस सब को ध्यान में रखा जा सकेगा और साथ ही ये सॉफ्टवेयर सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा फास्ट इंटरनेट के लिए बीएसएनएल ने लॉन्च किए 4 धांसू ब्रॉडबैंड प्लान, नेट अब चलेगा नहीं दौड़ेगा। इन प्लान्स में उपभोक्ताओं की कॉलिंग के साथ साथ हाई स्पीड डाटा भी मिलेगा। बीएसएनएल के नए प्लान प्रोमोशनल बेसिस पर पेश किए गए हैं जो 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ में आते हैं। ये सब 499 शुरू करके 1499 तक के हैं 90 दिन की वैलिडिटी के साथ में। तो 499 वाले जो प्लान है उसका नाम है फाइबर बेसिक के नाम से पेश किया गया है। इसके अलावा 799 रुपये के प्लान में मुफ्त लैंडलाइन कनेक्शन आपको मिलेगा। 999 में 3.3 TB डाटा आपको मिलेगा। वहीं 1499 वाले प्लान में OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जिसमें 300 Mbps की स्पीड से 4 TB तक का डाटा आपको मिलेगा। वहीं बीएसएनएल डे के दिन बीएसएनएल कर्मचारी 4G स्पेक्ट्रम की मांग कर रहे थे। यहां पर 2 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग की अपडेट है जिसमें बताया गया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को संगठन की स्थापना दिवस को केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार फर्म को 4G नेटवर्क आवंटित नहीं करने के विरोध में ब्लैक डे के रूप में मनाया। उन्होंने यहाँ 8 बीएसएनएल केंद्रों पर काले मास्क पहने। सेवंथ पे कमीशन सेवंथ CPC लेटेस्ट न्यूज़ टुडे इन हिंदी 2020 के अंदर आपको बता दें कि केंद्र ये कर्मचारियों के डीए के इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं बीएसएनएल के जो CGM को ये लेटर लिखा गया था जिसमें अब बताया गया था कि एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन द BSNL टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BTCL जो कि BSNL की ही टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है उसके एक्टिविटीज़ को लेकर के यहाँ पर क्या प्लानिंग है, किस तरह से उस पर काम किया जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो इसमें खास करके बताया गया है कि BTCL जो कि BSNL टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि BSNL के अंडर में ही काम करने वाली है और BSNL की ही एक तरह से कंपनी है, लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल वर्क होता है उसको ये कंप्लीट करती है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या वर्क प्रोवाइड किए जा रहे जा सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर उन्होंने अभी तक जैसे कि क्या क्या वर्क इनको दिया जाएगा वो सब इन्होंने खोजा है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज बिजनेस, सिविल और BW बिंग, CFA वर्टिकल यानी इम्पेनलमेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ऑल दोज प्रोजेक्ट बेयर रोल ऑफ BSNL इज मोस्टली ऑफ फैसिलिटेटर एंड मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाई SI, सच प्रोजेक्ट में आल्सो बी टेकन थ्रू BTCL। अपार्ट फ्रॉम अबव यू मे आइडेंटिफाई एनी अदर नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़, जितनी भी नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ हैं वो सब ये देखेगी, जैसे कि एक्सटर्नल वर्क हुआ, SI वर्क हुआ, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हुए, उन सब के बारे में। इसके अलावा सबसे खास जो अब तक मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि टू स्टार्ट द एक्टिविटीज़ थ्रू द सब्सिडियरी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल सर्किल हेड्स एंड IFAs सेल इन एडिशन टू अबोव आइडेंटिफाई नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज दैट मे बी कैरिड आउट थ्रू BTCL, यानी जितनी भी अब तक सभी सर्किल हेड्स के द्वारा और IFA के द्वारा आइडेंटिफाई की गई है नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज वो सब BTCL देखेगी। इसके अलावा आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग मेन पावर ऑफ BSNL ऑक्यूपाइड इन aforesaid नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज विच विल बी कैरिड थ्रू BTCL, यानी कि जितना भी एग्जिस्टिंग मेन पावर है BSNL के पास में जो कि नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ में के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है यानी उसमें काम करता है नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ में, उस सब को ये पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे विच विल कैरिड थ्रू BTCL, जिसके द्वारा जिनको एक तरह से BTCL में भेजा जाएगा या BTCL को में वो लोग काम करेंगे। देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड और रिफ्रेम्ड, और उसके अनुसार उनकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दी जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इफ एनी विथ कंकरेंस ऑफ IFA में बी इंटीमेटेड टू डायरेक्टर फाइनेंस थ्रू द वर्टिकल डायरेक्टर टू बी यूटिलाइज्ड एज वर्किंग कैपिटल लोन एडवांस टू BTCL फॉर अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज़, द एग्जिस्टिंग BSNL ऑफिसर ऑफिशियल डिवोटिंग देयर टाइम
फॉर सच एक्टिविटीज सेल कंटिन्यू टू डू सो ऑन बिहाफ ऑफ बीटीसीएल एंड देयर सैलरीज एंड एक्सपेंस सेल बी चार्ज टू बीटीसीएल प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी बीएसएनएल के ऑफिसर हैं जो कि इस समय बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, वो अगर बीटीसीएल के बिहाफ में कोई काम करना कंटिन्यू रखते हैं और उसमें अगर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो बीटीसीएल उनको सैलरी और भत्ता उसी अनुसार देगा। वाइल आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्पज वेयर द कंपोनेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज स्मॉल, दीज प्रोजेक्ट में बी राउटेड थ्रू बीटीसीएल सो दैट बिलिंग ऑफ द कस्टमर इज डन बाय बीटीसीएल। यानी कि अगर ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि इसके पर्पज से चलाए जाते हैं और ये टेलीकॉम सर्विस का ये भले से पार्ट है, लेकिन अगर ये बीटीसीएल के थ्रू इन पर काम किया जाता है तो बीटीसीएल ही उनका बिलिंग का काम संभालेगा। फर्दर द टेलीकॉम कंपोनेंट और सर्विसेज कैन बी बिल्ड बाई द बीएसएनएल टू बीटीसीएल ऑन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल सो दैट द लाइसेंस फी इम्प्लीकेशंस इज ओनली ऑन टेलीकॉम लाइसेंस एक्टिविटी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी सीजीएम हैं सभी को ये लेटर लिखा गया है कि मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट दें वो किसके लिए, फंक्शन डायरेक्टर कंसर्न अबाउट द प्रोग्रेस इन रिपोर्ट ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज हु सेल इन टर्न अप्राइज टू द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बीएसएनएल एंड BTCL looking forward for active and effective participation of all concerned to achieve the goal of for making the subsidiary commercially operational and becoming a healthy revenue generating stream for the holding company। तो ये BSNL की एक subsidiary यानी BSNL का ही एक नया part बनाया जाने की planning है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी BSNL Tower Corporation Limited है इसके तहत जो नॉन टेलीकॉम वर्क है वो संभाला जाएगा और कंप्लीट वर्क को जितना भी जो भी इम्प्लॉई इसके अंदर काम करेंगे या बीटीसीएल के बी आफ में उसकी सैलरी भी बीटीसीएल ही करेगी एवं जो नॉन टेलीकॉम कंपनीज के वर्क हैं उसकी बिलिंग का भी जिम्मेदारी बीटीसीएल का ही होगा। लेकिन इससे अगर रेवेन्यू ग्रोथ होती है और इसको इससे रेवेन्यू ग्रोथ करनी है और चूँकि ये बीएसएनएल का ही पार्ट है तो इससे बीएसएनएल का ही नाम होने वाला है और बीएसएनएल ही फायदे में आने वाली है। तो ये भी एक बीएसएनएल की सब्सिडरी है, बस इतना ही है। अब देख लेते हैं अक्टूबर मंथ 2020 के कुछ प्लान जो कि बेस्ट ऑफर्स हैं। एसटीबी 247, एसटीबी 599, 1499 वाला प्लान वीडियो को पॉज करके या फिर आप कहीं पर भी पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको फ़ायदे हैं। अगर आपको नई सिम ली है तब तो FRC 108, 153 और 485 का करा सकते हैं। अगर आप BSNL के कस्टमर हैं और अगर आपको रिचार्ज कराना है तो सबसे बेहतर प्लान PB 1499 का, जिसमें अनलिमिटेड कॉल, 24 GB डाटा और 100 SMS पर डे के मिलते हैं। इसके अलावा भी जो पॉपुलर STBs हैं उनमें से 1999 वाला प्लान है जिसमें 3 GB पर डे डाटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल मिलती है। तो ये सबसे बेहतर प्लान है यहाँ के। वहीं BSNL के BRS Optiz के लिए सबसे खास खबर में मैं आपको बता दूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि BSNL के जितने भी BRS Optiz हैं उनका भुगतान इस मंथ में हो जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल अपडेट भी अपने पास थी लेकिन मैं यहां पर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं। तो इसके अलावा दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपडेट आपको बता दूंगा जो भी मैसेज आया था। ये टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज है, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप रैंक 2MS पर जाकर के भी उसमें देख सकते हो। लेकिन ये इस तरह से है कि BRS का भुगतान इस मंथ में आपका हो जाएगा। इसके अलावा BSNL के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनका भी 2 मंथ की सैलरी का बताया गया था कि इस मंथ में हो जाएगा। तो देखते हैं कि अभी तक तो उसका कुछ भुगतान के रिलेटेड कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट में BSNL के कर्मचारियों की सैलरी, तो जो अगस्त मंथ की सैलरी है वो तो आ ही चुकी है, सेप्टेम्बर मंथ की सैलरी का भुगतान के लिए BSNL के CMD में पुराना वाला ही जवाब दिया है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये तक का लोन अभी बाकी है, तो इस वजह से अभी तक सैलरी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। जल्द ही वो इसको पुराना लोन चुका करके और नया कुछ अपडेट अगर करते हैं, कुछ रेवेन्यू बेनिफिट होता है तो आपकी सैलरी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये तो थी अब तक की सभी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है। जिस तरह से BSNL भारत सरकार का उपक्रम, उपभोक्ता की सेवा मुस्कान के साथ में, सर्विस विथ स्माइल, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सर्विस विथ स्माइल प्रेस करें सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।